नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह, मैथ्स गुरु उदय सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीटीजीटी 1999 का क्वेश्चन पेपर पार्ट टू है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिएगा शुरुआत करेंगे आज के इस बेहतरीन सेशन की। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। कह रहा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 इज 4। कह रहा है कि इसका एक रूट जो है, एक मूल है जो कितना है 4। अगर इसका एक मूल 4 है तो इसे सेटिस्फाइड करेगा। रख दीजिए इस इक्वेशन में, क्या करेंगे हम x की जगह पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 रखिए इस इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा ये 16 प्लस 4p माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां पे 16 में कितने सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे माइनस के 12, तो 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 को आप उधर ले लेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, p इक्वल टू अब कितना आ जाएगा माइनस का 1, p का वैल्यू माइनस 1 आ गया। और हमसे कह रहा है कि हमें q का मान ज्ञात करना है, जबकि ये जो इक्वेशन है इक्वल रूट रख रहा है, यानी कि इसके समान मूल है। और आपको पता है अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल हैं, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि जो विविक्तकर है वो क्या होगा 0 होगा। तो इसका विविक्तकर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0, है ना। या सीधा इस्तेमाल किया करिए, बी स्क्वायर बराबर 4ac कब, जब रूट्स हमारे इक्वल हो, सब मूल, दोनों मूल क्या होते हैं समान होते हैं। तो बी की जगह पे क्या है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मान 1 है और q यानी कि 4q हो जाएगा, p का मान माइनस वन रखेंगे वर्ग है तो 1 आ जाएगा बराबर 4q, यानी कि यहां से हमको मिला q इज इक्वल टू 1/4, q का मान हमें मिल गया 1/4 और 1/4 कहीं नहीं दिया गया, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में हमको x की वैल्यू दिया है और हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू दी गई है और हमें फाइंड करना है क्या होगा, मतलब कि पावर में 1/3 दी गई है और हमें इसे कन्वर्ट करके पावर 3 करना है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हमको क्या करना है क्यूब कर देना है ना, दोनों साइड क्यूब कर देना है। करिए यहां पे इधर a प्लस बी का, ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो भैया इधर तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स क्यूब और इधर हो जाएगा कितना 3 का क्यूब, 3 ये 3 की पावर 1/3 का क्यूब, मतलब ये 3 आ जाएगा प्लस, अब देखिए इसका क्यूब करेंगे, हमें पता है कि अगर 3 की पावर -1/3 है और इसका होल क्यूब करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, मतलब यहां पे आने वाला है 3 की पावर -1 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3 * a का मतलब कितना पावर में 1/3 और b का मतलब पावर में माइनस का 1/3 और बी की जगह पे यही रखा जाएगा पूरा, है ना, ए प्लस बी यहां होता है ना, ए प्लस बी, तो देखिए हम ए प्लस बी की जगह पे उठाकर हम एक्स रख सकते हैं, है ना, हम ए प्लस बी को ना रख के हम सीधा एक्स ही रख देते हैं, तो रख दीजिए यहां पे एक्स मतलब कि 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 यहां रखते हैं, लेकिन मुझे ना रख के हमने सीधा यही रख दिया, ठीक है चलेगा। ये कितना हो जाएगा 3, भैया पावर माइनस में है तो इसे ले आओ नीचे 1/3 हो जाएगा प्लस, अब देखिए ये पावर क्या है इंटू में दोनों जुड़ेंगी, ये 3 1/3, देखो तीनों की पावर अगर आप ऐड करोगे तो आपको सिर्फ 1 मिलेगा, क्योंकि पावर में ये 1/3, ये प्लस किया ये माइनस किया, दोनों 0 हो जाएंगी, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 × 1 × x, है ना, हमें निकालना क्या भैया एक्स क्यूब, चलिए 3 एलसीएम ले लीजिए, 3 आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 बटे में आएगा, बटे वाले 3 के इधर मल्टीप्लाई, 3x³ इज इक्वल टू में आ जाएगा 9+1+9x, है ना, सबको उठा लाओ उधर ही, कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 9x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि 27 में आप देखेंगे तो आपको सेम डी वाला ऑप्शन जो है वो मिल रहा है। 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, 28 में हमसे कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर, कह रहा है कि ए और बी जो है वो दो यूनिट वेक्टर हैं,
चलिए यूनिट वेक्टर है तो आपको पता है कि इनका जो मॉडुलस होगा वो क्या होता है, वन। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस वन होता है ना। आर यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का है, है ना। चलो 60 डिग्री का एंगल, देखिए यहां पे मॉडुलस लिया गया है ए प्लस बी। ए प्लस बी हमें काम कर रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं, ए प्लस बी और माइनस बी दोनों लिया गया है। हम पहले ए प्लस बी को लेके चल रहे हैं, मॉडुलस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लेते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा, मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस होता है 2 into ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ए डॉट बी को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए बी मॉडुलस, वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस, और साथ में क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। थीटा कितना, 60 अंश दिया गया, 60 डिग्री दिया गया है। अच्छा भैया इनका देखिए इसकी वैल्यू 1 दी गई, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस ये भी 1 हो जाएगा प्लस 2 into 1 into 1, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 इंटू आ जाएगा 1/2, 2 से 2 काट दीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1+1+1 यानी कि ये 3 हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस हो गया है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर कितना हो गया आपको 3 मिल जाएगा है ना, कितना आ जाएगा ये 3। दोनों तरफ आप ले लीजिए वर्गमूल, वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, स्क्वायर वर्गमूल ले रहे हैं ना, कितना आ जाएगा √3 है ना। अब √3 का मतलब क्या हुआ, √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 .. होता है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से बड़ी होगी है ना। √3 का मान क्या होगा, बड़ा, मतलब कहने का यह हुआ कि जो ए प्लस बी मॉडुलस जो है, मॉडुलस किसके बराबर, 1.73 मतलब 1 से बड़ा है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है, इसकी जो मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की जो वैल्यू वो क्या, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी है, 1 से ज्यादा है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको देखना है माइनस वाला तो आप सेम माइनस लगा के देख लीजिएगा, बस थोड़ा सा फार्मूले में चेंज आ जाएगा। जैसे बाई चांस हमने अगर इसमें माइनस की वैल्यू को चेक किया होता तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता, देखो यहां पे सेम रहता, बस यहां माइनस आ जाता, या तो 1+1-1 है ना, 1+1-, तब देखिए 1/2 हो जाता, एक तो 2 रहता यहां पे, एंगल हमारा वही रहेगा, एंगल तो वही रहेगा ना, -1 हो जाएगा, कट जाएगा, -1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे है ना। यानी कि ये क्या आ जाता, वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाता, 1, और आप निकालते तो ये आ जाता वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू +-1 है ना। ठीक है, ए माइनस बी है ना इक्वल टू 1 आ गया। हाँ ठीक है, आगे मतलब कि ये रिलेशन हमको मिलता उस दौरान अगर हम ऐसा करते तो है ना, अगर दोनों बीच के एंगल लेते माइनस हो जाता, वो कटिंग होती माइनस कट जाता, 1 बस वर्गमूल लेते तो मॉडुलस ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू कितना जाता, 1 आ जाता उस केस में। चलिएगा 29 देखेंगे। 29 हमसे कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। अच्छा, इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, हैविंग द सेम पीरियड बट डिफर इन फेस एंड एम्पलीट्यूड, कह रहा है कि फेस और एम्पलीट्यूड इसके क्या है, अलग अलग हैं, तो कह रहा है वो पार्टिकल किस प्रकार का पाथ बनाएगा है ना। तो देखिएगा, हमें पता है कि एक्स इज इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, वो होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है ना, जहां पे ए क्या है हमारा एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा है हमारी वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय संवेग है ना, कोणीय वेग है ना, ए ओमेगा टी। अच्छा, फिर इसके बाद वाई इज इक्वल टू हमने पढ़ा था भाई एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंट चेंज है, बी ले लिया हमने, और साइन ओमेगा टी प्लस किस एंगल के साथ वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, तो कितना पाई बाई टू, इसे आप इक्वेशन 1 बना दीजिए, वहां पे हो गया हमारा π/2। अच्छा, फिर ये हो जाएगा y इक्वल टू बी
है ना भाई, इक्वल टू कितना बी कॉस, ये कॉस बन जाएगा देखिए पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, मतलब ये आ गया हमारा 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस थीटा। अच्छा यहां से अगर हम निकालना चाहें तो वाई बी बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना कॉस ओमेगा टी, है ना कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन हमारी टू हो गई। और हाँ अब देखेंगे हम वन, इसे हम लिख सकते हैं एक्स वाई ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन वन हो गई। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को क्या करिए स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हम क्या कर रहे हैं एलिमिनेट कर रहे हैं साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को हटाना चाह रहे हैं, हटाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन, और ये क्या बन जाएगा इलिप्स बन जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे इलिप्स बोलेंगे, है ना ये किसकी इक्वेशन है ये इलिप्स की इक्वेशन है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड फ्रॉम टू पॉइंट्स, कह रहा है कि टू पॉइंट्स पे हमारी एक स्ट्रिंग है, मतलब कि ये कैटेगरी का क्वेश्चन है, है ना कैटेगरी का क्वेश्चन है, फ्रॉम टू पॉइंट्स एट द सेम लेवल एंड अ वेट डब्ल्यू डैश, है ना ये डब्ल्यू डैश इज अटैच टू इट्स लोएस्ट पॉइंट, मतलब कि स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इस तरह से बंधी है ना इस तरह से रज्जुपा कैटेनरी इस तरह से बंधी है, और इसके जो लोएस्ट पॉइंट जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा मान लीजिए वहां पे हमारा ये वेट लगा दिया गया है कितना W डैश, और इस स्ट्रिंग का वेट कितना है W है, तो हमसे कह रहा है कि इट्स लोएस्ट पॉइंट इफ टेंजेंट एट द हाइएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट मेक एंगल पाई बाई थ्री एंड पाई बाई टू, हाइएस्ट पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है उसकी टेंजेंट कितनी है पाई बाई थ्री, है ना, और उसके बाद लोएस्ट पॉइंट पे पाई बाई फोर दी गई है, करेक्ट, देन ओमेगा देन डब्ल्यू बटे डब्ल्यू डैश की वैल्यू क्या होगी। तो बीएससी मैकेनिक्स में आपने एक डेरिवेशन पढ़ा था, है ना, जिसमें क्या था कि इस रस्सी का यानी कि जो हमारे पास ये स्ट्रिंग लगी हुई है ना, इस रस्सी प्लस इस रस्सी और उसमें जो वेट लोएस्ट पॉइंट पे घटाया गया है उन दोनों का सम और इस लोएस्ट पॉइंट वाले बेस का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के टेंजेंट के एंगल की टेंजेंट के रेशियो के बराबर होता था, है ना, ये डेरिवेशन हम लोगों ने लंबा चौड़ा पढ़ा था। तो W प्लस डब्ल्यू डैश बटे डब्ल्यू डैश इक्वल टू टेन 60 बटे टेन पाई बाई फोर यानी कि टेन 45 टेन लोएस्ट हाइएस्ट पॉइंट वाला एंगल बटे की टेंजेंट बटे लोएस्ट पॉइंट का जो एंगल है उसकी टेंजेंट, इन दोनों का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है, इसे याद रखेंगे, है ना। चलेगा ये हो जाएगा हमारा ओमेगा सॉरी डब्ल्यू बटे डब्ल्यू डैश प्लस वन हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा, है ना, इक्वल टू टेन 60 का मान होता है अंडर रूट तीन और टेन 45 का मान होता है वन, और ये हो जाएगा डब्ल्यू बटा डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन, प्लस का वन है इधर रूट थ्री माइनस वन हो जाएगा, और हमसे यही वैल्यू पूछी गई है डब्ल्यू बटा डब्ल्यू डैश, है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 30 का ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट हैविंग 8 एलिमेंट, हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है कितने होंगे, है ना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर में होता है n स्क्वायर माइनस n, है ना, कितना होता है 2 की पावर में n स्क्वायर माइनस n, तो कितना हो जाएगा ये 2 की पावर में n कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये 8 है, 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 हो जाएगा, 64 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा ये 56, है ना 56 56 64 में 8 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 56 बचेंगे, तो 2 की पावर 56 एलिमेंट्स होंगे किसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, है ना, तो यानी कि 31 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही पे हमसे क्वेश्चन पूछा होता कि नंबर ऑफ सिमेट्री रिलेशन, है ना नंबर ऑफ सिमेट्री रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन,
सिमेट्रिक रिलेशन की नंबर कितनी होगी, तो उसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, ये होता है हमारा 2 की पावर में 1/2 इंटू एन इंटू एन प्लस 1। बस सारी वैल्यू निकाल देनी है, एन की जो भी नंबर आप क्या कहते एलिमेंट दिया गया होगा उस सेट में वो रख देना है और कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ सिमेट्री रिलेशन निकल जाएगा 2 की पावर 1/2 इंटू एन इंटू एन प्लस 1। चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में हमको एक इनइक्वालिटी दी गई है और उसे सॉल्व करना है फॉर रियल एक्स, एक्स के रियल वैल्यू के लिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हल करते हैं इसे, हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये कितना भैया एक्स स्क्वायर, सबको इधर ही उठा लाओ, सबको इधर ही उठा लाओ, ट्रांसफर कर दो LHS में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, प्लस का 1 वहां पहले से बैठा है, और ये हो जाएगा माइनस का 4 और क्या है ग्रेटर देन 0, है ना। ये कितना हो गया भैया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लाई करी, फैक्टर कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 3 आना चाहिए, तो हमने माइनस के 3x ले लिए और प्लस के x ले लिए, माइनस 3 ग्रेटर देन 0। x लेंगे कॉमन, यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा इज ग्रेटर देन 0। दो फैक्टर हो जाएंगे, एक हो जाएगा x माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू लेना है हमको। एक पॉइंट हमको मिल जाएगा कितना, माइनस का 1, हम माइनस के 1 को इधर रख ले रहे हैं, और इधर प्लस का 3 मिल जाएगा, प्लस के 3 को इधर ले रहे हैं, ठीक है। हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, है ना, हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए हमें काम करना है। एक काम करते हैं, यहां वैल्यू एक 0 होगी, 0 को रख के देख लें, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो भाई ये वाला जो पार्ट मिलेगा, देखिए यहां 0 गया, ये भी 0 गया, माइनस का 3, यानी कि ये जो पार्ट मिलने वाला है हमको वो नेगेटिव मिलने वाला है, नेगेटिव हमको लेना नहीं, ग्रेटर देन 0। तो और इधर चलते हैं, माइनस 2 रख लीजिए, माइनस 2 रखेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 2, माइनस का 1 यहां बचेगा, यानी कि ये वैल्यू हमको इधर वाली वैल्यू जो मिलेगी पॉजिटिव मिल जाएगी। अच्छा, 3 के बाद आप 4 रख लीजिए, 4 रखेंगे तो 4 माइनस 3, है ना, ये भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी भैया पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, 4 रखेंगे तो घट जाएगा और बाकी ग्रेटर देन आपको 0 ही मिलेगा। अच्छा, मतलब कहने का ये वैल्यू बस हमको नहीं चाहिए प्लस वाली, है ना, मतलब कि जो x का मान हमको चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा हो किससे, x जो होगा माइनस 1 से छोटा, माइनस 1 से छोटा, इधर की सारी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब माइनस 1 से छोटी हम सारी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। अच्छा, तथा दूसरा देखें और क्या होगा, x का मान 3 से बड़ा, है ना, 3 भी नहीं लेंगे, क्या होगा 3 से बड़ा, x का मान भाई 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 तो चाहिए नहीं हमें, तो पॉजिटिव चाहिए, है ना, तो क्या होगा 3 से बड़ा हो और माइनस 1 से छोटा हो, 3 से बड़ा हो और माइनस 1 से छोटा हो, तो कहां पे है ऐसा, x का मान, है ना, हाँ किससे बड़ा हो भाई, माइनस 1 से छोटा, माइनस 1 से छोटा और 3 से बड़ा, तो 32 में ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दी गई है, हमें इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, है ना। चलिए तो ये माइनस का 1 माइनस का √3i या i √3 लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम यहां से सिर्फ अल्फा निकालें, अल्फा निकालें, होता क्या है tan इनवर्स, है ना, यहां पे मॉड लगाते हैं y बाई एक्स, वाई की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, माइनस का √3 है और यहां पे माइनस का 1 है, है ना, ये माइनस का √3 है, कोई बात नहीं, ये कट गया, यहां से हमें मिला tan इनवर्स किसके अंडर √3, अंडर √3 का मान होता भैया ये होता पाई बाई 3, खत्म, है ना, अल्फा हमको मिल गया पाई बाई 3। फिर हम देखते हैं दोनों क्या है चिन्ह, हम देख रहे हैं कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, दोनों अगर नेगेटिव है तब हमको इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू लेनी होती है वो क्या करते हैं हम, है ना, तब हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस का पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, माइनस को चुपचाप बाहर रहने दीजिए, माइनस पाई, माइनस का हो जाएगा पाई बाई 3, है ना, माइनस तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 पाई बाई 3, यानी कि आ गया माइनस का 2 पाई बाई 3। अब चूंकि 2 पाई बाई 3 माइनस का कहीं पे है नहीं,
इसका मतलब हमारी अगली जिम्मेदारी कि हम 260 इसमें ऐड कर लें, सॉरी 360 ऐड कर दें, है ना भाई। नेगेटिव एंगल में 260 जोड़ दें तो पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमारी पहली जिम्मेदारी है कि जो भी यहां पे आए माइनस पाई माइनस थीटा आने के बाद वही एंगल लिया जाए, लेकिन वो अगर है नहीं तो हमें क्या करना होगा, 260 जोड़ देना है। जोड़ेंगे प्लस का करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस का है ना। तीन दूनी छह में दो चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 4π/3, है ना, यानी कि 33 में सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप Z11। अब देखिएगा यहां पे Z11 जो ग्रुप है ना, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जो होगी हमारे पास कितना होगा भैया, इस ग्रुप में टोटल जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 11। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल एलिमेंट कितने हो गए यहां पे, 11 हो गए। अच्छा, टोटल एलिमेंट, और आपको पता है किसी एलिमेंट किसी ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, वही उसके ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी हो गया क्या, 11 हो गया। अच्छा, और आपको पता है जो 11 है वो क्या है, एक प्राइम ऑर्डर है, कैसे, प्राइम नंबर है, यानी कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या है, प्राइम है, और कोई भी अगर प्राइम ऑर्डर वाला ग्रुप होगा तो उसके 2 सब ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं, अगर हमारे पास प्राइम ऑर्डर है, कैसा ऑर्डर है भैया, ये ऑर्डर जो है एक प्राइम नंबर है ना, एक अभाज्य नंबर है, एक ये प्राइम ऑर्डर है, और अगर ये प्राइम ऑर्डर है तो इसके 2 सब ग्रुप होते हैं, कौन कौन, एक आइडेंटिटी है ना, कितने सब ग्रुप होते हैं इसके, 2 सब ग्रुप होते हैं, 2 सब ग्रुप होते हैं, एक तो हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, इट सेल्फ, वो स्वयं हो जाएगा, है ना, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम देते हैं ट्रिबल सब ग्रुप, है ना, ट्रिबल सब ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो प्राइम ऑर्डर का होगा उसके 2 सब ग्रुप होंगे, आइडेंटिटी और इटसेल्फ, और इन्हें हम ट्रिबल सब ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। 34 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 भी फिर से वही कैटेगरी का क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, कह रहा है कि इफ एक्स वाई बी पॉइंट ऑन द कैटेगरी हुज इंट्रिंसिक, है ना, इंट्रिंसिक इक्वेशन इज, इंट्रिंसिक इक्वेशन हमको दी गई है कितनी, एस इज इक्वल टू सी टेन फाई, ये दी गई है, देन वैल्यू ऑफ सेक फाई माइनस टेन फाई की वैल्यू। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कैटेगरी में, है ना, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है सी log, है ना, इसी फॉर्मेट में लेके चलते हैं, sec phi माइनस tan phi, ना कैटेगरी की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, x इज इक्वल टू क्या, c log sec phi प्लस tan phi, sec phi प्लस tan phi। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, x by c इक्वल टू ये हो जाएगा log sec phi प्लस tan phi, ठीक है। अब हम इसे एक्सपोनेंशियल को चेंज, इसको चेंज कर लेते हैं लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में, ये e की पावर में चला जाएगा, इधर e की पावर में आ जाएगा, x by c इज इक्वल टू sec phi प्लस tan phi, है ना। अच्छा, एक बात आपको बताएं, ये sec phi माइनस या प्लस जो भी हो, sec phi प्लस tan phi बराबर होता है 1/, है ना, अगर हम इसको माइनस में कन्वर्ट कर दें तो होता क्या है, 1/ sec phi प्लस tan phi, क्यों, कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर phi माइनस tan स्क्वायर phi बराबर 1। तो कभी भी अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो मतलब हम पलट देंगे इसी वैल्यू को, चलिए मतलब कि अब हमें निकालना क्या है, वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, sec phi माइनस टेन फाइव। मैंने क्या बताया कि sec phi माइनस tan phi की वैल्यू निकालनी है तो पलट देना है किसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू को, 1/ sec phi प्लस tan phi, यानी कि 1/ में आ जाएगा e की पावर में x by c,
ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, e की पावर माइनस एक्स बाई सी, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 में करा गया था डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ ऑल टेंजेंट टू पैराबोला। अच्छा, इस पैराबोला की पर हमें निकालनी है, है ना। तो हमें पता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास, एक तो आप क्या करिए, पहले तो टेंजेंट को लेट कर लीजिए। अगर हमारे पास कोई पैराबोला होता था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हमें टेंजेंट निकालनी है ना, टेंजेंट निकालनी है। तो टेंजेंट हम क्या लेट करते थे इस दौरान, जो हमारे पास टेंजेंट होती थी, स्पर्श रेखा जो लेट करते थे, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, और सी की जगह पे क्या रखते हैं इसमें ए बाई एम, है ना, ए बाई एम, यानी कि जो हमारी टेंजेंट होती थी वो क्या होती है, वाई बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम। चलिए कोई बात नहीं, इसे यहीं पे चुपचाप डाल दीजिए, ऑप्शन बना। अब पहला एक उसको एक हमने क्वेश्चन बना दिया, अब हमें कन्वर्ट करके पहले इससे जानना है कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है। कंपेयर करिए, 4a इक्वल टू है 2, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, है ना, 1/2, मतलब a की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1/2। अच्छा, वो भी ठीक है। फिर अब एक बात और याद रखेंगे, इसकी जो हमारी प्रवणता होगी, जो m होगी, है ना, वो प्रवणता भी तो निकाल ली जाए। प्रवणता कितनी हो जाएगी, है ना, अगर हम इसी का डिफ्रेंशिएशन कर दें तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश बराबर हो जाएगा किसके, m के, बाकी तो सारा जीरो हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दें तो y डैश बराबर कितना हो जाएगा, y डैश बराबर m हो जाएगा। मतलब इस रेखा की जो प्रवणता है वो कितनी है, m या y डैश, है ना। y डैश हमने रख लिया, m को रिप्लेस कर दीजिए y डैश से, है ना, y डैश से रिप्लेस कर दीजिए तो ये आ जाएगा y इक्वल टू, भाई हमें कांस्टेंट हटाने हैं सारे, कोई कांस्टेंट मेरे को नहीं चाहिए, है ना, m m a, a की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास 1/2 है। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया और हमें पता चला कि जो इसकी प्रवणता होगी, जो इसकी ग्रेडियंट होगी, जो इसका स्लोप होगा, जो इसका ढाल होगा, वो क्या होगा, y डैश बराबर m हो जाएगा। m और y डैश दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों वही है सेम। अब देखिए, यानी कि हम m की जगह पे y डैश रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y डैश x प्लस a की जगह पे 1/2 रखेंगे, 2 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा ये y डैश। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 2y आएगा तो इधर आ जाएगा 2y डैश इक्वल टू x, और ये आएगा y डैश का स्क्वायर प्लस 1, है ना। यानी कि एक्स वाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक तो 2y y डैश हो गया हमारे पास, ठीक है, एक है एक्स टू, अरे 2 भी तो आएगा साहब, हाँ 2 भी तो आएगा, 2 एलसीएम में लोगे 2 भी तो आएगा, y डबल डैश का स्क्वायर भी हो जाएगा 2x y डैश, है ना। तो यहां पे हमारे पास 36 में a वाला ऑप्शन देखिए सेम सेम मैच कर रहा है ना, 2x y डैश का स्क्वायर, ये y डैश है, y डैश का स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, 2y y डैश, ठीक है। 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, a, मतलब कि जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बात करोगे किसकी, फैमिली ऑफ द ऑल टेंजेंट, है ना, मतलब कि स्पर्श रेखा पर, इस पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x के स्पर्श रेखा परिवार का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अवकल समीकरण होगा, वो क्या हो जाएगा, 2y y डैश इक्वल टू 2x y डैश का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यानी 36 का ए ऑप्शन। आगे 37 क्रैक एट ईच पॉइंट x कॉमा वाई ऑफ कर्व द इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ y एक्सेस इज इक्वल टू। अच्छा, हमें दिया गया है जो c है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्पर्श रेखा है, है ना, एक स्पर्श रेखा हम यहां पे लिट कर ले रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, यही हमारी स्पर्श रेखा होती है, जहां पे सी जो होता है वाई एक्स में कटा अंतःखंड होता है ना, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस होता है सी, तो वो हमको दिया गया है। सी की वैल्यू कितनी दी गई है, ये वैल्यू है हमारी इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस, मतलब y अक्ष में कटा अंतःखंड, ये वैल्यू किसकी है, सी की। अच्छा,
और m की जगह पे आपको पता है m क्या होता है, dy dx। m की जगह हम क्या रख सकते हैं, dy dx। dy dx का मतलब dy dx है ना, dy dx का मतलब dy dx है ना भाई। प्रवणता m क्या है, प्रवणता, प्रवणता को हम क्या लिखते हैं, dy dx रख दीजिए, यह आ जाएगा y इक्वल टू है ना। चलिए y इक्वल टू m की जगह पे हमने क्या रख दिया, dy dx इंटू है x प्लस, और c की जगह पे कितना, 2xy स्क्वायर रख दिया सारा। अच्छा अब एक काम छोटा सा जो हमें करना है, देखिएगा हमें क्या करना भाई, एक तो ये y इसको इधर दे दो, y dx LCM लेंगे तो आ जाएगा y dx आ गया है ना, y dx माइनस x dy, इसको उठा के उधर ले गए और dx इसके साथ LCM में इधर भी जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2xy स्क्वायर dx। जब LCM लेंगे dx तो dx इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे इतना आ गया। अच्छा फिर आ गया ये y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाई y स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2x dx है ना। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, कर दीजिए समाकलन, समाकलन करेंगे तो आपको पता है ये देखिए पहले y का हुआ है, पहले हर का हुआ, फिर dx पर पहले y का हुआ, y बाहर है अंश हर का हुआ, माइनस हर बाहर है अंश का हुआ है ना, ऐसे करके इन्होंने किया है, मतलब कि ये हमारा ये रहा होगा x बटे y है ना, क्या रहा होगा x बटे y का आप करेंगे तो यही आएगा y x का dx हो जाएगा माइनस x dy है ना। तो ये x बटे y का इंटीग्रेशन लिखा हुआ था बराबर, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 दिया आपने काट है ना। अब कितना बन जाएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी कितनी, हाँ अब भाई ये आ गई वैल्यू हमारे पास x बटा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, करिए मल्टीप्लाई, x इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी वाई है ना, तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी वाई है ना, x माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी वाई, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा भैया, यहाँ पे 37 में ए वाला जो ऑप्शन है वो बड़ा बड़ा सा सही हो रहा है ना, 37 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, 38 कह रहा है कि द पोलर इक्वेशन, एक पोलर इक्वेशन हमको दी गई है r इज इक्वल टू a sec थीटा है ना, पोलर इक्वेशन दी गई है r इज इक्वल टू a sec थीटा, अगर sec को हम cos में बदल लें तो ये आ जाएगी r इक्वल टू a और sec थीटा हमारा cos थीटा 1 बाई cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा यानी कि अब आ गया a इज इक्वल टू r cos थीटा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आपको पता है कि और cos थीटा किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, यानी कि ये इक्वेशन आ गई क्या, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a आ गई, विच इज अ स्ट्रेट लाइन, जो एक हमारी सरल रेखा है, x इज इक्वल टू a का मतलब क्या हुआ, x माइनस a इज इक्वल टू 0, ये एक सरल रेखा का समीकरण है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ना है ना, तो कौन सा हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 38 में ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में हमको दिया गया है कि ये एक यहां पे दिया गया है कि द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व इज पी स्क्वायर है ना, कह रहा है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर देन द वैल्यू ऑफ रो, कह रहा है कि रो की वैल्यू होगी बताओ क्या होगी, तो देखिए जो इस रो की वैल्यू होती है ना, रो की वैल्यू का फॉर्मूला होता है r इंटू डी आर डी पी है ना, डी आर डी पी ये होता है, तो एक काम करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन का p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लिया जाए है ना, करते हैं डिफ्रेंशिएशन तभी तो हमको मिलेगा डी आर डी पी या डी पी डी आर जो मिल जाए, करो पहले आप इसे करो, आप r के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए है ना, फिर पलट लेंगे उसे, ये है हमारे पास, आओ
ये क्वेश्चन हमको दी गई है, जो गिवन एक क्वेश्चन है वो दी गई है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, है ना, पैरेलल इक्वेशन है ये हमारी। दोनों तरफ क्या करिए, आर के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टू पी, और पी का हो जाएगा तो ये आ जाएगा डी पी बटा डी आर इक्वल टू, है ना, करिए ये हो जाएगा ए, अच्छा स्क्वायर लगा हुआ है। एक काम करते हैं, छोटा सा काम करेंगे, ज्यादा नहीं छोटा सा काम करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू रूट आर, है ना, रूट आर लिख दीजिए, पी इक्वल टू रूट आर। भाई इस पी स्क्वायर बराबर कितना लिखा है, ए आर लिखा है, तो हम पी बराबर रूट आर लिख देते हैं, रूट ए आर हो जाएगा, तो रूट ए एज ए कॉन्स्टेंट अलग हो जाएगा, और अब इसका करना है हमें रूट आर का डिफ्रेंसिएशन, तो आ जाएगा वन बाई टू रूट आर, है ना, वन बाई टू रूट आर हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, आपको पता है। अरे पावर आएगा ऊपर, एक तो एक बटे दो एन, एक बटे दो चुपचाप बाहर निकल जाएगा, फिर एन माइनस वन करेंगे पावर निगेटिव हो जाएगी, वो नीचे आ जाता है ना एक बटे दो, चलिए तब पॉजिटिव हो जाएगा नीचे आके, कुल मिला के ये हमारे पास डी आर डी पी डी आर की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, वन बाई टू, है ना, ये कह दीजिए ऊपर हमारा है रूट ए और नीचे है रूट आर। अब इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, रो की, निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा आर, आर को रहने दीजिए, इनटू देखिए डी आर डी पी है, यहां पे डी पी डी आर आपने निकाला है, पलट दीजिए वैल्यू को, तो ये आ जाएगा टू रूट आर डिवाइडेड बाई रूट ए, है ना, अच्छा अब कन्वर्ट होके ये आ जाएगा हमारा टू इंटू, देखिए आर की पावर एक ये है, एक बटे दो ये है, तो आर की पावर तीन बटे दो और बटे में आ जाएगा रूट ए, ठीक है, ये रूट ए हो गया बटे में हमारे पास। अच्छा अब आर की जगह पे हमें उठा के, मतलब इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है किसमें, ए और पी में, सारी वैल्यू हम देख रहे हैं, ये जो वैल्यूज आ रही है वो सभी किसमें आ रही है, पी में आ रही है, यहाँ पे रो नहीं है, यहाँ पे पी है ना, जो ऑप्शन दिए गए पी में है, ठीक है, रो की वैल्यू रो में ही थोड़ी आएगी, पी है यहाँ पे ना, ये भी पी है, हाँ चलिए आर की जगह पे हमें उठा के रखना है कितना, पी स्क्वायर बटे ए, तो आइए यहां पे रखते हैं, टू हो जाएगा इनटू आर की जगह पे कितना, आर की जगह पे यहां रखेंगे, आर की जगह पे कितना, पी स्क्वायर बटे ए, पी स्क्वायर बटा ए की पावर में तीन बटे दो और डिवाइड में दिया गया है रूट ए, ठीक है, इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा टू, तो चुपचाप अपनी जगह पे रहेगा, ऊपर वाली का वर्ग आएगा, है ना, बाप की संपत्ति का बंटवारा दोनों बेटों को, अंश को भी पावर मिलेगी हर को भी मिलेगी, तो दो की पी की पावर दो, दो से दो कट जाएगा ऊपर तीन बच जाएगा, तो ये पी की पावर तीन हो जाएगी। अच्छा डिवाइड में आ जाओ तो ए की पावर तीन बटे दो, ए की पावर तीन बटे दो और यहां डिवाइड में पहले से बैठी है एक बटा दो, है ना, तो आ जाएगा टू पी क्यूब बटे ए की पावर वन बाई टू प्लस वन बाई टू, है ना, कितना आ जाएगा फोर बाई टू, यानी कि यहां पे आने वाला है ए स्क्वायर, टू पी क्यूब बटा ए स्क्वायर, टू पी क्यूब बटा ए स्क्वायर, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 39 का डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि द सीरीज, ये हमको सीरीज दी गई है, है ना, अच्छा सीरीज दी गई तो हमको सबसे पहले यूएन निकालना है, तो यूएन निकाल लीजिए, तो यूएन कितना हो जाएगा, देखो टू थ्री, क्रैक इज कन्वर्जेंट, क्रैक कन्वर्जेंट होगी यदि पी का मान क्या हो, है ना, तो देखिए यहां पे हम देख रहे हैं एक पद छोड़ के शुरुआत हुई है, मतलब कि एन से शुरुआत ना होकर एन प्लस वन से हुई है, है ना, एनएफ टर्म निकाल रहे हैं, यूएन का मतलब एनएफ टर्म निकाल रहे हैं, है ना, वन, और ये है वन की पावर पी, टू की पावर पी, थ्री की पावर पी, ऐसे बनता चला जा रहा है, मतलब कि ये यहां पे बदलाव हो रहा है, ये आ गया एन की पावर पी, है ना भाई, वन टू थ्री, यानी कि ये एन है, वहां पे टू थ्री से शुरू था एन प्लस वन, हमें एनएथ टर्म मिल गया। अच्छा इस एनएथ टर्म को हमें थोड़ा सा मेंटेन करना है, है ना, मेंटेन करते हैं इसे हम, देखिएगा अगर हम ऊपर से कॉमन ले लें कितना, अगर हम इसे चलो डिवाइड कर दो, डिवाइड करो इसे, डिवाइड करेंगे तो आएगा एन बटे एन की पावर पी प्लस एक बटे एन की पावर पी, ठीक है, अब इसे एक बटे एन की पावर पी माइनस वन लिखा जा सकता है, एन नीचे आ जाएगी, ये पावर यहां घट जाएगी,
प्लस एक बटे एन की पावर पी, दोनों से ले लिया जाए कॉमन क्या एन की पावर पी माइनस वन, लो कॉमन तो आ जाएगा वन प्लस, अब देखो यहाँ पे माइनस वन नहीं है, है ना, तो नहीं है तो डिवाइड में हो जाएगा एक बटे एन, है ना, एक बटे एन हो गया डिवाइड में। अच्छा, तो एक सीरीज हमको मतलब जो पावर कॉमन होती है उसको हम एक सीरीज वी एन लेट करते हैं, तो वी एन लेट करिए एन की जितनी पावर ऊपर नीचे से कॉमन है उसे हम वी एन लेट कर लेते हैं, तो आ जाएगा वन बाई एन पी की पावर एन माइनस वन, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम निकालते हैं लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन बटे वी एन की वैल्यू, है ना, निकालिए, तो ये आ जाएगा लिमिट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन बाई एन की पावर में पी माइनस वन, वन प्लस वन बाई एन डिवाइडेड बाई वन बाई एन की पावर पी माइनस वन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बटा बचा हमारे पास वन प्लस वन बाई एन, वैल्यू रख देंगे तो वन प्लस वन बाई इनफाइनाइट मतलब कि वन प्लस जीरो मतलब इसकी वैल्यू आ गई वन, ये आ गई क्या एक फाइनाइट, है ना, ये क्या आ गई एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, एक निश्चित मान आ चुका है। अब हमको बताया गया है कि ये कन्वर्जेंट है, है ना, और देखिए यहां पे जो सीरीज यूएन है और जो सीरीज वीएन है, है ना, यूएन और वीएन जो दोनों वो क्या है सेम नेचर की है, तो हमसे कह रहा है अगर ये कहा जाए भाई यूएन का जो नेचर है वही वीएन का नेचर है, और हमसे कहा जाए कि इज कन्वर्जेंट, तो वीएन कन्वर्जेंट होगी कब, है ना, हम कहेंगे यूएन और वीएन दोनों सेम नेचर की हैं, वीएन इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज करेगी इफ जो इसकी पावर है एन की पी माइनस वन, है ना, वो क्या हो ग्रेटर देन वन हो, है ना, ग्रेटर देन वन पे कन्वर्ज करेगी और लेस देन वन पे क्या होगा ये डाइवर्ज करेगी, तो हो गया ये पी ग्रेटर देन वन का उधर ले जाओ टू हो जाएगा, पी इज ग्रेटर देन टू, और जो नेचर इसका है वही नेचर इसका होगा, मतलब जो यूएन होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी किस पे, जब पी की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन टू हो, है ना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41, देखिए 41 में कह रहा है कि ए और बी ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई फोर, है ना, कह रहा है ए और बी के मान कुछ इस तरह से ले लीजिएगा, या तो आप डायरेक्ट इसमें लीजिए दोनों तरफ 10 लगाइए और एडजस्ट करके ये बना लीजिए, या दूसरा तरीका और है ए और बी की वैल्यू आप क्या करो लेट कर लो, है ना, चलो लेट करते हैं। अगर मैं यहां पे ए इक्वल टू जीरो ले लूं, ए जीरो ले लूं, तो बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा पाई बाई फोर, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू पाई बाई फोर ले लिया हमने, लेट कर लिया हमने, सेटिस्फाइड करना चाहिए उस कंडीशन को, ऐसी वैल्यू लीजिए, अब उठा के यहां पे रख दीजिए, है ना, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी की वैल्यू निकालनी, निकाल दो तो ये आ जाएगा वन प्लस टेन जीरो का मान जीरो, वन प्लस टेन पैंतालीस का मान कितना आ जाएगा, टेन पैंतालीस बी की जगह पाई बाई फोर मतलब पैंतालीस कितना आ जाएगा वन इंटू टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी टू, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 41 का जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 42 में हमको निकालना है द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, है ना, एंगल निकालिए, दोनों रेखाएं लीजिए, ये रेखा और ये रेखा, यहां निकालिए इस रेखा की प्रवणता मान लीजिए एम वन है, एम वन बराबर कितना हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, है ना, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ वाई, तो ये हमें मिल गई एम वन, और एम टू के पास चलिए दूसरी रेखा की प्रवणता निकालिए, दूसरे का स्लोप निकालिए सेकेंड लाइन का, माइनस माइनस वहां ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाई टू, है ना, कितना आ जाएगा ये फोर बाई टू हो जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास टू, है ना, एम टू कितना आ जाएगा टू आ जाएगा, हमें निकालना है दोनों के बीच का एंगल, है ना, चलिए निकालते हैं दोनों के बीच का एंगल कितना होता है भैया, टेन थीटा बराबर होता है एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन एम टू, है ना, वन प्लस एम वन एम टू रख दीजिए वैल्यू, है ना, यहां पे आप लगा सकते हैं मॉड मॉड,
M1 का वैल्यू है माइनस तीन, M2 का वैल्यू है टू, डिवाइडेड बाई वन माइनस कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा तीन दूनी छः, माइनस का छः घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मॉडुलस, ये आ जाएगा ऊपर वन और नीचे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा फोर, छः हो जाएगा तो पाँच हो जाएगा ना हमारे पास। ओफो यहाँ पे माइनस होता है ना, यहाँ माइनस होता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, माइनस होता है भाई, यहाँ पे माइनस है और ये तो वैल्यू प्लस है की है ना, हम माइनस कैसे प्लस कर रहे थे, ठीक है। अब कितना हो गया ऊपर, ऊपर हो गया फाइव, माइनस का फाइव, नीचे कितना हो गया माइनस का फाइव, कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, यानी कि हमको मिल गया टेन थीटा बराबर वन, यानी कि टेन थीटा बराबर वन किसकी वैल्यू होती है टेन पैंतालीस, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा पैंतालीस डिग्री, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बयालीस का सी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तैतालीस देखते हैं, 43 में कह रहा है कि इफ द इक्वेशन लेमडा प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फाइव लेमडा, ये क्वेश्चन दी गई, हम चाहे इस माइनस का मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन को लिख लीजिए, ये आ जाएगा लेमडा प्लस थ्री का इंटू इसको इंटू कोफिशियंट है ये लेमडा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस तुमने अंदर किया तो ये हो जाएगा, अब देखिए वो फाइव माइनस लेमडा था, अब लेमडा माइनस फाइव हो जाएगा, लेमडा माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो हमसे कह रहा है ये हैज डिस्टिंक्ट रूट, है ना, भिन्न भिन्न मूल है, रूट्स जो क्या है भिन्न भिन्न है, अगर ये डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो आपको पता है जब d का मान ग्रेटर देन जीरो होता है तो आपके जो रूट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मतलब लेमडा माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए का वैल्यू कितना है लेमडा प्लस थ्री और बी का मान वही हमारा वन, अरे ए का मान ये हो गया, बी का मान फोर ए सी होता है, सी का मान वन, ग्रेटर देन जीरो, होल स्क्वायर करिए खोलिए इसका, लेमडा स्क्वायर प्लस हो गया 25 माइनस का 10 लेमडा माइनस का 4 लेमडा माइनस का 12 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, देखिए माइनस का 10 लेमडा 4 लेमडा माइनस के 14 लेमडा हो जाएंगे 14 लेमडा, प्लस का 13 ग्रेटर देन जीरो, लेमडा स्क्वायर माइनस का 13 लेमडा, फैक्टर कर रहे हैं माइनस का लेमडा प्लस 13 ग्रेटर देन जीरो, फैक्टर करेंगे माइनस वन कॉमन लेंगे, मतलब एक हमको मिलने वाला है माइनस का 13 और दूसरा मिलने वाला है माइनस, माइनस के 14 हो जाएंगे और ये प्लस का आ जाएगा, है ना, मतलब कि फैक्टर जो है बिल्कुल सही है, एक हो जाएगा लेमडा माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। दो चीजें मिल चुकी हैं हमको, एक बार हम बना लेते हैं ग्राफ, हमें वैल्यू कहां कहां क्या क्या मिलेगी, मतलब कि लेमडा माइनस 13 इंटू लेमडा माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इनका प्रोडक्ट है ना 0 से बड़ा, चलिए एक आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि वैल्यू में कौन कौन सी एक्सेप्ट करनी है कौन सी छोड़नी है, भाई हम यहां पे 0 नहीं ले सकते, ये वैल्यू हमको नहीं लेनी है छोड़नी है, ये वैल्यू हमको छोड़नी है, हमने दोनों वैल्यू ये वाली छोड़ दी, अच्छा 1 से पहले 0 होगा, तो 0 अगर हम लिम्डा का मान रखते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब कि इधर का वैल्यू हम ले सकते हैं, इधर का मान ले सकते हैं, फिर इधर 12 के बाद 13 के बाद 14 आएगा, 14 रख दीजिए, 14 यहां रखेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब इधर की वैल्यू भी ले सकते हैं, यहां 2 रख दीजिए, 2 रखेंगे तो देखिए यहां पे 1 बचेगा और ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ये वाला मान क्या होगा, ये इंटरवल जो होगा वो निगेटिव होगा, है ना, मतलब 1 और 13 के बीच में निगेटिव, 1 से अगर मान लीजिए कि छोटी है तो पॉजिटिव और इधर की वैल्यू भी पॉजिटिव, मतलब कि अगर हम कौन कौन सी वैल्यू, ये वाला हमें तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव वाला चाहिए, ग्रेटर देन 0 क्या बता रहा है कि पॉजिटिव वाला चाहिए आपको, तो हमें पॉजिटिव के लिए मतलब इधर ही जाना होगा, मतलब x का मान जो क्या हो 1 से छोटा हो, है ना, x का मान क्या हो 1 से छोटा हो, सॉरी लेमडा है ना, लेमडा तो लेमडा का मान 1 से छोटा हो और 13 से बड़ा हो, है ना, लेमडा का मान क्या हो 13 से बड़ा हो, तो लेमडा जहां पे 13 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, ऐसा सी वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो 43 का जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथ, करें असम बिकम 3 टाइम्स इन 4 ईयर, है ना,
क्या कुछ धन है उसका जो सम है वो चार साल में क्या हो रहा है, तीन गुना हो रहा है ना, एट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो सम है उसी धन का वो चार साल में तीन गुना हो जाता है। तो कह रहा है इट विल बिकम 27 टाइम्स, कह रहा है कि वो 27 गुना कब होगा, दर वही सेम है। तो भैया पहले वो एक साल एक एक्स रहा, एक्स के बाद कितना हो रहा है, तीन टाइम हो जाता है चार साल बाद, तो 3x हुआ होगा, इसके बाद वो फिर से 9x हुआ होगा और 9x को 27 वर्ष होने हुआ होगा। अब देखते हैं कितना टाइम लगा होगा, पहले x रहा होगा फिर तिगुना हुआ होगा 3x बना होगा, फिर से तीन गुना हुआ होगा 3 टाइम्स हुआ होगा 9x बना होगा, फिर से 3 टाइम्स हुआ होगा 27x हुआ होगा। मतलब इस दौरान जो टाइम लगा हमको चार साल यहां लग गए, 4 ईयर्स यहां लगे, 4 ईयर्स यहां लगे, तो चार 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 कितने हो गए भैया, टोटल 12 साल हमको यहां पे लग गए, है ना, 27 टाइम्स यानी कि 27 बनने 27 टाइम होने में कितना टाइम लग गया, 12 साल का समय लग गया, है ना। तो कितना हो गया भैया, 44 का सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिएगा, 45 में कह रहा है कि √2i + 2i + 4 = 4 देन द वैल्यू ऑफ वाई विल बी, कह रहा है y का मान क्या होगा ये हमें बताना है। हम एक काम करेंगे, हमें यहाँ पे वो वैल्यू रख के चेक करनी है, हम ऑप्शन सेटिस्फाइड कराएंगे पहला काम, ठीक है। रखो भाई चार, रखो चार दुनी आठ, वर्गमूल से बाहर निकल जाए वहीं रुकेंगे, चार दुनी आठ, आठ चार बारह, वर्गमूल नहीं हट रहा भाई यहाँ पे, मैं पता है कि एग्जैक्ट वाई का मान मतलब कि रूट हट जाएगा, चार आ रहा है यहाँ पे LHS के बराबर, तो हम ये वाला मान रिजेक्ट कर देंगे। छह को रख के देखिए, वाई की जगह पे छह रखिए, छह दूनी बारह, बारह और चार सोलह, सोलह का वर्गमूल कितना आया चार, फिर यहां रखो छह दूनी बारह चार सोलह, सोलह का वर्गमूल चार, वाह कौन, वाई इज इक्वल टू जो सिक्स है इसे सेटिस्फाइड कर रही है ना, पुट कर दीजिए, पुट एफ वाई इज इक्वल टू, हाँ रख दीजिए भैया, कितना हो जाएगा, छह दूनी बारह प्लस अंडर रूट, छह दूनी बारह प्लस चार, ये कितना आ जाएगा रूट में 12 4 16, 12 प्लस 4 हो जाएगा भाई 16, यानी कि ये 16, 16 का वर्गमूल कितना 4 है ना, ये सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या होगा कि जो y का मान है वो क्या होना चाहिए, डी वाला ऑप्शन यानी कि y इज इक्वल टू 6 क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। कह रहा है कि देयर आर टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कह रहा है यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है, देयर आर टू ट्राइंगल्स एबीसी और एबीडी, एक एबीसी है और एक एबीडी है, इन सर्कल हुज सेंटर इज ओ इफ एईबी 130 है ना, ये वाला एंगल हमको 130 डिग्री का दिया गया है, ठीक है, एंड ईबीसी 20, ये वाला जो एंगल है ये वो कितना है 20 डिग्री, ये 20 है ना, ये कितना दिया है 20, देन एबीडी, एबीडी निकालना है, कोई बात नहीं हम निकालेंगे। एबीडी का रिश्ता देखिए, आपको पता है ये वाला एंगल, ये और ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ये देखिए आप एबी देख रहे हो ना, एबी कोई जरूरी नहीं है, एबी ये जरूरी नहीं है कि जहां पे ये सेंटर है मतलब कि पॉइंट है ना, कौन सा, अरे मैं कह रहा हूं ये जो है, मान लेना ये समझ लेना कि डायमीटर है एबी, एबी डायमीटर नहीं है, कहीं नहीं दिया गया है, और मान लो कि इसका जो सेंटर है वो भी हम बाहर बना देते हैं, जो सेंटर है मान लीजिए वो यहाँ पे है, ठीक है, वैसे होना चाहिए अंदर फिगर और थोड़ा सा ऊपर से होना चाहिए था, लेकिन सेंटर बाहर है, एबी जो है वो डायमीटर नहीं है, ये मान लीजिए एबी व्यास नहीं है। तो देखिए अब एबी क्या है, हमारे पास एक जीवा है एक कॉर्ड है, और इस जीवा के द्वारा दो एंगल बन रहे हैं, देखिए एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, यानी कि सेम कॉर्ड के द्वारा जो बनाए गए एंगल है वो इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, मतलब अगर ये एंगल का जुगाड़ हो गया तो इसी के बराबर हो जाएगा, है ना। अच्छा अब देखिए ये आप लाइन सीधी लाइन देख रहे हैं, ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, क्यों, लीनियर पेयर एंगल है, ये रैखिक युग्मकोण है और रैखिक युग्मकोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी कि ये 50 हो गया। अच्छा ये 50 हो गया, ये 20 हो गया, इस ट्राइंगल में आ जाओ, ट्राइंगल सी एफ बी है ना, ट्राइंगल सी एफ बी में
तीनों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, यानी कि 50 20 70, ये कितना बचा 110, यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 110। और अगर ये एंगल 110 है तो एंगल ए बी ए डी बी एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए सी बी के, रख दीजिए यहां पे 110 अंश। एडीबी कितना हो गया 110, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 46 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 के साथ, देखते हैं। 47 से कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, कह रहा जो ए है ए 24 दिनों में किसी कार्य को कर सकता है, ठीक। अच्छा, कह रहा बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए, कह रहा है कि जो बी है, बी की जो क्षमता है, जो इफिशियंसी है, वो क्या है, ए से 60% ज्यादा है, है ना। मतलब कि अगर ये ए है और ये बी है और ए की जो क्षमता है वो 100 है, कितनी है 100, तो इसकी कितनी है 100 प्लस 160, है ना। तो दोनों की इफिशियंसी का आप रेशियो निकाल लीजिए। अब देखिए तो रेशियो कितना आ जाएगा, 100 रेशियो 160, काट दीजिए, काट दिया 10 रेशियो 16, काटो 5 8, तो इनकी जो क्षमता है वो 5:8 की है, इसकी 5 क्षमता है और इसकी 8 क्षमता है। अब देखिए वर्क का जो टाइम होता है, वर्क का है ना, वो उल्टा होता है, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो कम समय लेगा, है ना। वर्क टाइम ना कार्य करने में लिया गया समय, तो पलट दीजिए इफिशियंसी को, पलट दीजिए तो 8:5 टाइम लगेगा, है ना। अगर इसे 8 घंटा लगेगा तो उसे 5 घंटा लगेगा, क्यों, क्योंकि इसकी इफिशियंसी ज्यादा है, किसकी, बी की, बी की क्षमता ज्यादा है, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो कम समय में काम को निपटा देगा, है ना, एक कार्य को, किसी कार्य को। तो भाई अब क्या होगा, टाइम जो होगा उल्टा लगेगा, है ना। अब देखिए ए की इफिशियंसी क्षमता कितनी है 8, जब इसे 8 घंटे लगते हैं इसे 5 घंटे लगते हैं, है ना। अब जब इसे 24 घंटे दिया गया है कि 24 घंटे में काम को कर देता, तो 8 में किससे गुणा करें कि 24 आ जाए, 3, है ना, तो कितना हो जाएगा 8 3 ये हो जाएगा 24, और ये इसको भी 3 से करोगे भाई मल्टीप्लाई, 3 इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इससे भी 3 को मल्टीप्लाई करो, 5 15, इस आदमी को जब कितना लग रहा है 24 डेज लग रहे हैं, तो इस आदमी को 15 दिन लग रहे हैं ना, 15 दिन लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है, ज्यादा तेज काम करता है, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, ऐसे आदमी को जरूरत है, भारत को ऐसे आदमियों की जरूरत है, 15 दिन लगेंगे किसको, मिस्टर बी को, उस काम को करने में, है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करिए आपको कैसा लगा, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, है ना, 48 का वैल्यू हमें बताना है कितना आएगा, देखिएगा। कह रहा है इफ एफ एंड जी आर फंक्शन सच दैट एफ एक्स इतना दिया है और जी एक्स इतना दिया है, है ना, एफ ऑफ जी एक्स इतना दिया है, हमको जी एक्स निकालना है, है ना। हम लेट करेंगे, लेट जी एक्स इक्वल टू वाई, हमने जी एक्स को वाई लेट कर लिया। अब देखिए यहां पे हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू, हमको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू, कितना दिया गया है 3x + 1, 3x + 1। अच्छा तो देखिए एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स को वाई रख दीजिए, एफ ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा x - 2, ठीक है, वहां उठा के रख दीजिए, एफ ऑफ एक्स है ना। तो अगर हमें क्या करना है भाई, x अगर हम एफ ऑफ वाई निकालें तो उसमें वाई रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 3, कितना 3 भाई, जहां पे y है इस एफ एक्स में, आप जहां पे x है वहां y रखो, तो रखोगे तो 3y हो जाएगा ये, 3y + 1 इक्वल टू कितना x - 2, एफ ऑफ वाई हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इस y को रख के यहां से हम y के फंक्शन y एफ ऑफ x में y रख के हम y के टर्म में हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, कितना आया 3y + 1, दोनों बराबर होंगी, है ना, हमें y की वैल्यू चाहिए, gx तो निकालना है यहां पे, gx को हमने y माना है,
तीन वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस टू और माइनस का वन हो जाएगा। वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा साहब, यह आ जाएगा एक्स माइनस थ्री और बाई थ्री। वाई हमने क्या माना है, जी ऑफ एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स माइनस थ्री बाई थ्री, एक्स माइनस थ्री बाई थ्री, यानी कि 48 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 48 का जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्रैक द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम में इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी और ये क्या है बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का यूनियन लिया गया है इस पार्ट में, इन दोनों का क्या है ये यूनियन है, मतलब ये किस पार्ट को दिखा रहा है, ये ए यूनियन बी और बी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन है पूरा लिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 49 का ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन आर ईच इंक्रीज्ड, कह रहा है कि ऊंचाई और डायमीटर मतलब कि उसका जो डायमीटर है उससे भी क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो देखिए बात सीधा याद रखना कि जितना वृद्धि डायमीटर में होती है वही सेम रेडियस में होती है, मतलब अगर हाइट को 100% बढ़ा दिया जाए और डायमीटर मतलब डायमीटर या रेडियस दोनों एक ही बात है, एक ही बात है, मतलब एक ही हिसाब से बढ़ती है, जितना वृद्धि डायमीटर में हो रही उतने वृद्धि रेडियस में भी होगी, है ना। तो हाइट मान लीजिए जो कोण रहा हो उसकी हाइट एच रही हो और डायमीटर मान लो 2r रहा होगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2r एच और r अब हो गया हमारे पास, और इस दौरान जो वैल्यूम रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना, इस दौरान जो रहा होगा v1 पहली कंडीशन में, फिर आफ्टर इंक्रीजिंग 100% इंक्रीज कर दीजिए, 100% का मतलब एच था उतने और दे दीजिए, अब कितना हो गया भैया, अब इसकी जो ऊंचाई हो गई वो 100% इंक्रीज करने के बाद वो बन गई कितनी, 2h, पहले h थी 2h हो गई, अब उसकी जो रेडियस थी पहले r थी अब कितनी हो गई, 2r हो गई। तो अब देखिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर, r कितनी है भाई 2r, है ना, स्क्वायर कैपिटल h कितना दिया है 2h, कितना हो जाएगा 1/3 पाई इंटू, देखो 2 × 2 = 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4 × 2 = 8, ये आर स्क्वायर आ जाएगा, ये एच आ जाएगा, गुड़े 8 आ जाएगा, 8 आ गया। अब देखिए ये v1 है, तो यानी कि ये v1 है, v1 गुड़े 8, तो जो v2 है वो क्या है, v1 का 8 गुना है, द वैल्यूम ऑफ द कोन बिकम्स, तो क्या होगा v1 का 8 times हो जाएगा, पहले वाले वैल्यूम का 8 गुना ज्यादा हो गया, है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 times, है ना, 50 में डी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट होगा, चलेगा। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों को जरूर बताइए। यूपी डीजीटी के लिए एक ऐसा कंटेंट है ना जिसमें 2021 से लेकर 1999 तक के सभी प्रीवियस पूरी तरह से निःशुल्क दिए जा रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।